हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। आई एम क्वारंटीन्ड। आप भी क्वारंटीन्ड हो जाओ अगर आपको ज़िंदा रहना है तो, अदरवाइज़ फिर बाहर जाओगे तो लठ तो पड़ी रहे। ठीक, तो ये लेक्चर है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के लिए, लेवल वन के लेक्चर हैं। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस लेवल वन लेवल टू। एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं GS ज्योग्राफी में, तो एस्ट्रोनॉमी में हम देखें मेनली सन से रिलेटेड, सन फैमिली, ये मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक है। ना तो आप इसको बुक्स में पढ़ते हो, ना किसी स्टैंडर्ड बुक में मिलता भी है ये। ठीक, तो इसको अगर आप 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर करके जाते हो तो डेफिनेटली आप छोड़ दोगे। सी 2019 में ये क्वेश्चन वापस से रीअपेयर हुआ है, उससे पहले 2011, उससे पहले लगातार पूछता है 9, 8, 7, 6, लगातार हर साल एक नया क्वेश्चन इससे पूछता था। रिसेंटली नहीं पूछता था, तो अब 2018-19 में वापस से UPSC इज़ गोइंग फॉर दोज टॉपिक्स। तो ये आपको मिलेगा इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन। तो ये कोर्स है प्रिलिम्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का। कोर्स फीस 2000, और जो ऑनलाइन क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं है। और साथ में इसके साथ दो कोर्स हम लोग एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, 2020 सीरीज़ एंड हिंदू इन 2 मिनट। तो इसके जो दो लेवल हैं, ठीक है, अराउंड 17 टेस्ट हो चुके हैं। हिंदी मीडियम के टेस्ट थोड़े से लैग कर रहे हैं, तो वो भी विद इन 1 वीक सारे अपलोड हो रहे हैं। ठीक, तो लेवल वन में मेनली हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी, अप्रोच, असाइनमेंट जो आप लोग देते हो, और एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये वाला पार्ट का लेक्चर है। ठीक, 97 से लेकर 2019 जो भी मेरे पास लेक्चर है, और ये आपका काम है। ठीक, मेन आपका जो सिलेक्शन है, आप लेवल वन को अगर फॉलो करते हो देन यू कैन सी डेफिनेटली आपके अच्छे चांसेस हैं। तो एस्ट्रोनॉमी देखते हैं। इस लेक्चर में हम 2-3 चीज़ें देखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं आपसे आने के लिए। इसका सोर्स आई विल टेल यू कि सोर्स क्या है, और साथ में किस डेप्थ में पढ़ना है। सोर्स ये है जो एस्ट्रोनॉमी के ये 11 पेज के नोट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। ये सोलर सिस्टम के सारे लेक्चर आपको GS ज्योग्राफी में मिल जाएंगे, यूट्यूब प्ले लिस्ट पर ये आपको मिलेंगे ज्योग्राफी में। तो देखते हैं 2019 में जो क्वेश्चन पूछा, 21 जून को सन कहाँ होता है, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो डज नॉट सेल सेट बिलो, ये आप एक बार ऑप्शन पढ़ लो देन देखो। ठीक, आई होप आपने पढ़ लिया हुआ क्वेश्चन। देखो 21 जून को होता क्या है, अगर आपको पता है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, तो 23.5 नॉर्थ, सन का जो वर्टिकल ये मूवमेंट होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम सन यहाँ से यहाँ तक ही मूव करता है। ठीक, 21 जून को सन इस वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, और बाद में इसको हम कहते हैं समर सोल्स्टिस, और जब विंटर सोल्स्टिस होता है तो विंटर इसके ऊपर होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। अब सपोज सन यहाँ पर है, ठीक, ये आपका सन है, इसको हम बनाते हैं ब्लू कलर से, ये सन है आपका। ठीक है, तो इससे अगर देखो ए और बी बहुत कंफ्यूजिंग से ऑप्शन लग रहे हैं, डज नॉट सेट बिलो एट आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल। ये आपको पता होना चाहिए आर्कटिक सर्कल क्या है। आर्कटिक सर्कल इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, इट इज़ आर्कटिक, आर्कटिक ओशन है नॉर्थ में, इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। साउथ में 66.5, इसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अगर हम अर्थ का ये डिवीज़न देखें तो 0 से 23.5 और नॉर्थ 23.5 साउथ, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, और 66.5 तक ये हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, इसके बाद पोलर जोन कहलाता है। ठीक, ये वाला आसपास का एरिया इसको हम सब पोलर जोन कह लेते हैं, इसको हम सब टेम्परेट एरिया कहते हैं, बट ठीक है फाइन। मेनली जो डिवीज़न होते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर वो अर्थ के यही होते हैं। ठीक, तो ये आपको पूछ रहा है, तो ये अभी अगर नहीं भी आप समझ पा रहे हो तो एक तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, वर्टिकली ओवरहेड नून इक्वेटर नहीं है, दिन में सन इसके ऊपर साइन करता है, तो आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा कहता है साइंस वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने दो ऑप्शन तो कर लिए एलिमिनेट, ठीक हो गया। तो अगर अब आप इसकी लैंग्वेज में फंस भी रहे हो तो भी आप ए और बी में फंस जाओगे, और फिर आंख बंद करके भगवान का नाम लेके तुक्का मार दो, चांसेस हैं सही होने के, 50% चांसेस हैं सही होने के। ठीक है, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 आपकी नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट होने की 1/2 है, तो डेफिनेटली नेट पॉजिटिव जोन में आप जाने के चांसेस हैं। ठीक, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन, हॉरिजन मतलब क्षितिज, मतलब सन डूबता नहीं है, कहाँ नहीं डूबेगा, आर्कटिक सर्कल में नहीं डूबेगा, अंटार्कटिक सर्कल में, सन यहाँ है। ठीक है, सन आपका इस जोन में है, आर्कटिक सर्कल ये वाला है। ठीक, तो डेफिनेटली इस एरिया में तो सन कभी डूबेगा ही नहीं, सन इधर इस वाले पार्ट में, यहाँ तो सन डिस्टेंस पे आ गया ना, यहाँ डूब जाएगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज पढ़ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो तो
आई थिंक यू कैन डू इट। तो ये एक टेक्निक है कि पहले तो जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं एलिमिनेट कर पाओ कर लो, फिर ट्राई करो कि इनको आप पढ़ने की कोशिश करो, फिर ये फिगर ड्रॉ करो। एग्ज़ाम में ये फिगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो गारंटी है आप ये क्वेश्चन रॉन्ग करके आओ। इसके लिए लास्ट में स्पेस फॉर रफ वर्क मिलता है आपको, एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए, व्हाट आई थिंक। ठीक है, 21 जून को सन कहाँ होता है, बनाओ ये, यहाँ पर इस एरिया में सन है आपका। ठीक है, क्या क्या पूछा, आर्कटिक सर्कल बनाओ, आर्कटिक सर्कल यहाँ है। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल बनाओ। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ, ये तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा है, इक्वेटर ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, कैप्रिकॉन ये है, कैंसर ये। तो ये आपको अगर फिगर बना लिया आपने तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, एटलीस्ट बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे सॉल्व करने के। देन दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स क्या है। तो एस्टेरॉयड और कॉमेट में देखो, जो डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने ये सिर्फ फिगर भी देखी है, एस्टेरॉयड ये एक दो लाइंस पढ़ ली हैं, और स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट करते हैं सन को, माइनर प्लेनेट होते हैं इनर सोलर सिस्टम में, इनको बड़े वाले होते हैं उनको हम प्लेनेटोइड कहते हैं। ठीक है, बड़े वाले इंसान ही नहीं होते हैं, एस्टेरॉयड भी हो सकते हैं। इनका साइज़ वेरी करता है, सीरस लार्जेस्ट है, डायमीटर ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर है सीरस का, और मैसिव एनफ है ड्वार्फ प्लेनेट कहलाने के लिए। ठीक है, ये एस्टेरॉयड है, और जो कॉमेट है, एस्टेरॉयड आप देख रहे हो बिल्कुल रॉक दिख रहा है स्ट्रक्चर टाइप, कॉमेट आप देखो, अगर कॉमेट के स्ट्रक्चर हमें पढ़ना होता है, कॉमेट के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियाई होता है, कोमा होता है और टेल होती है, ये तीन चीज़ें दिख रही हैं। ठीक, ये न्यूक्लियाई है ये वाला, ये कोमा है, और ये इसकी टेल है। ठीक, अगर आपको इतना भी पता है तो आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी, पूछा हुआ है कि एस्टेरॉयड आर स्मॉल रॉकी प्लेनेट। ठीक है, फिगर अभी हमने देख ली, डेफिनेटली है। कॉमेट आर फॉर्म फ्रोजन गैस हेल्ड टुगेदर बाई रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल, इट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर आपको ये नहीं पता कि कॉमेट कैसे बनते हैं, तो कॉमेट की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो कॉमेट की डेफिनेशन में ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आईसी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी जो सन के पास से आता है, वार्मिंग होती है, आउट गैसिंग होती है, आउट गैसिंग का पूरा फिनोमिनन यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी यहाँ तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, वो लेक्चर देख लेना। तो आप ऑप्शन नंबर वन इज़ ट्रू, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट, पहले तो ये देख लो, सबसे पहले मार्क करो एग्जाम में कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, नहीं तो सारी ऐसी तैसी धरी रह जाती है। ठीक है, जब आप ये करेक्ट का इनकरेक्ट या ये सब नौटंकी कर देते हो, आपका ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। अभी आपका काम नहीं बना, 1 2 3 आपको पता करना पड़ेगा, 2 3 कौन सा करेक्ट है। ठीक है, एस्टेरॉयड फाउंड मोस्टली बिटवीन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स, कॉमेट वीनस और मरकरी के बीच में पाए जाते हैं। तो ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, फिलहाल ये आपको पता है कि नहीं है, आई डोंट नो। ठीक, कॉमेट शो एक इसकी लंबी टेल होती है, एस्टेरॉयड की नहीं होती। ऑप्शन थ्री इज़ करेक्ट, आपने ए भी एलिमिनेट कर दिया। अब अगर आपको टू आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास बी और डी ऑप्शंस हैं। अब टू और थ्री के बीच में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एस्टेरॉयड आपके यहाँ पाए जाते हैं जुपिटर और मार्स के बीच में, कॉमेट पाए जाते हैं वीनस और मरकरी के बीच में, ऐसा देखते हैं क्या है एस्टेरॉयड कॉमेट के बीच में। देखो, कॉमेट एस्टेरॉयड बेल्ट आपकी ये है, एस्टेरॉयड्स जहाँ हमने पढ़े हैं अगर हम सर्च करें एस्टेरॉयड बेल्ट, मोस्ट ऑफ देम लिव इन मेन एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, जुपिटर एंड मार्स, ठीक है यहाँ तक सही है। कॉमेट्स आर फाउंड बिटवीन वीनस एंड मरकरी, पूरा क्वेश्चन इस फैक्ट पर बेस्ड है कि आप ये कर पाओगे कि नहीं। एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में और कोई अगर आप देखना चाहो इन्फॉर्मेशन, तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट यहाँ बिल्कुल दी हुई है। ठीक है, ये कुइपर बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये मार्स का ऑर्बिट है और ये जुपिटर का ऑर्बिट है, तो यहाँ फिगर के थ्रू भी समझा है। अब जो कॉमेट्स हैं ये ऐसा नहीं है कि वीनस और मरकरी के बीच में पाए जाते हैं, ये पूरे ग्लोब में पाए जाते हैं, सॉरी पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। हम देखें तो ओर्ट क्लाउड रीजन इज़ मेन बेल्ट फॉर कॉमेट। ठीक है, कॉमेट हर जगह पाए जाते हैं लेकिन ये ओर्ट क्लाउड है। देखो, कॉमेट क्या है, गैसियस है ना, डी गैसिंग मतलब गैसियस बॉडी है ना, अगर सन के आसपास होगा तो डेफिनेटली इनका इवेपोरेशन हो जाएगा। तो मेनली आपके लास्ट ये नेपच्यून है, नेपच्यून के बाद आपकी आती है कुइपर बेल्ट, उसके बाद ये वॉयजर नासा का सेटेलाइट है, उसके बाद जो ऑल्ट क्लाउड है ये रीज़न, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अल्फा सेंचुरी, मतलब दूसरा सन के बाद जो हमारा दूसरा नियरेस्ट स्टार है दैट इज़ अल्फा सेंचुरी स्टार। तो यहाँ से लेके इस पूरे दूसरे सेंचुरी स्टार मतलब दूसरे सोलर सिस्टम तक ऑल्ट क्लाउड एक्सटेंड करता है, तो ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। फाइन, इन सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस लगातार पूछे हुए हैं, आपको ये पता होना चाहिए मेटेरॉइड मीटियर और क्या होता है सारी चीज़ें। आप ये पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ न्यू हो तो आई विल टेल कि आप एक बार लेक्चर्स देख लो। तो दिस वाज क्वेश्चन ऑफ 2011, तो आपका
ये ऑप्शन टू रॉन्ग हो गया। तो दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन अगर आपको ये चीज़ नहीं आती, लेकिन अगर आपको बेसिक भी पता है कॉमेट, थोड़ा सा भी आइडिया लगाओ, कॉमेट की डेफिनेशन पता है, वीनस और मरकरी ये तो मतलब सन के पास क्या है ना, तो मोस्ट कॉमेट तो मतलब मोस्टली कैसे हो सकता है, ये एक्सट्रीम वर्ड है ना, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब या तो आपको नॉलेज हो, अदरवाइज़ गो बाई एलिमिनेशन, कि यहाँ कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली, यहाँ फंसा दिया इन्होंने एक्सट्रीम वर्ड, अब यहाँ कुछ तो है। सन है, सन के सबसे पास होता है, हम लोग रखते हैं माई वेरी एफिशिएंट मदर, ठीक है, जस्ट सर्व द नट्स, ठीक है, तो माई मतलब मरकरी सबसे पास में, वीनस इधर, तो इतने पास तो हो ही नहीं सकते ना, सारे ही इनकी वो हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। तो ये अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज इस मोस्टली वर्ड का यूज़ करके आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो डेफिनेटली। देन विच वन ऑफ द प्लेनेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सेटेलाइट, ये अक्टूबर के करंट अफेयर्स में पढ़ाया था मैंने, पहले हुआ करते थे जुपिटर के, 79 होते थे, अब हो गए हैं सैटर्न के 82। तो पहले ये अगर 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसका आंसर ए करेक्ट है, अब पूछ ले तो ये सैटर्न करेक्ट है। ये बताने वाली बॉडी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर फ्रॉम इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मार्स और यूरेनस के बीच में कौन से हैं, याद है तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली हम इनको रटते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अर्थ अस द नट्स, ठीक है, माई मतलब मरकरी, वेरी मतलब वी, एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इसके बाद प्लूटो था तो उसको हटा दिया था, तो अगर आपको ये पता है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बच्चों वाला फैक्ट है, मार्स और यूरेनस के बीच में क्या है, अगर आपको ये चीज़ भी पता है ना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जे और एस, ठीक है, मार्स और यूरेनस, भाई ये मत भूल जाना कि ये एम का मतलब मरकरी है कि मार्स है, ठीक है, मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है और सन के सबसे पास है, मार्स सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने ही चाहिए। व्हाट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, देखो ये इसको हम कहते हैं वन एस्ट्रोनॉमिक यूनियन, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर डूब तो मत मरो, रटो, और क्या है, मरना हो तो फिर बाहर निकल जाओ, या तो कोरोना ही मार देगा या पुलिस वाले ही मार देंगे। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजरमेंट के जो यूनिट्स हैं उसमें देखो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको यू ए या फिर ए यू कहते हैं, यू ए स्मॉल में लिखते हैं कैपिटल, वन एस्ट्रोनॉमिक यूनिट इज़ रफली डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ए यू इक्वल टू 115 × 10⁶ मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है। सन के सबसे पास अर्थ कब होती है, 3 जनवरी को, तो ये याद रखना है, ये आपका अर्थ है, ये सन है, ठीक है, दूर है इसलिए छोटा दिखा रहा हूँ, ठीक। तो नॉर्मली हमको ये लगता है कि जनवरी में होती है विंटर, तो जनवरी में दूर होता होगा, लेकिन जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है ना, साउदर्न हेमिस्फेयर में तो समर होती है, ठीक। तो 3rd of January को सन धरती के सबसे पास होता है, इंसोलेशन सबसे हाई होता है उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा गर्म होती है धरती उस टाइम पे, और जो 1 जून या जुलाई में कोई डेट होती है उसमें सन धरती से सबसे ज़्यादा दूर होता है। एस्ट्रोनॉमिक डिस्टेंस मेजरमेंट की AU भी एक यूनिट है, या आप देख सकते हो अपेरेंट, पेरिहेलियन, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। लाइट ईयर, लाइट ईयर भी दूसरी यूनिट है, लाइट ईयर हम नॉर्मली एस्ट्रोनॉमिक डिस्टेंस को मानने के लिए करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, 1 जूलियन ईयर, जूलियन ईयर होता ही है, 365.25 डेज, इतना इंटू आप 3 × 10⁸ अगर करो सन की स्पीड करो, सन लाइट की स्पीड, तो ये होता है इतना, ठीक है, एग्जाम में बैठ के सही कर लेना, बस ट्रिलियन पता होना चाहिए क्या होता है, संबित पत्र मत बन जाना। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, ये होते हैं, इसका मतलब, ए का मतलब होता है एजर्शन, ये होता है रीजनिंग, एजर्शन मतलब आपकी संकल्पना, ये उसका रीजन। इसके ऑप्शंस बहुत ही फिक्स होते हैं, पहला ऑप्शन ये होता है हमेशा, आप ये बिल्कुल ए बी सी डी माइंड में बिठा के जाओ, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, ठीक है, बी में भी दोनों ट्रू पूछता है, और आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यहाँ आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए और बी है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या करना होता है, ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या कोई भी एक स्टेटमेंट गलत है क्या, अगर आपका कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपको दूसरा पढ़ने की नीड ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है। सपोज आपका आर इज़ फॉल्स, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, भाड़ में जाए दुनियादारी, और अगर आपका ए इज़ फॉल्स तो फिर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। अगर दोनों ट्रू हैं और आपको ये नहीं पता एक्सप्लेनेशन क्या है तो आप फंस जाओगे, फिर एटलीस्ट सी और डी रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में 90% आई हैव ऑब्जर्व की यूपीएससी ने जब भी क्वेश्चन पूछा है उसमें मोस्टली सी और डी, 80-90% टाइम सी और डी करेक्ट होते हैं, ठीक।
देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे खेला यूपीएससी ने। टू ऑर्बिट अराउंड द सन मार्स टेक्स लेसर टाइम देन टाइम टेकन बाई अर्थ, ठीक है, क्या ये ट्रू है? सन के पास में माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट, ठीक है, अगर अब आप इस मार्स में एमएम में कन्फ्यूज़ हो गए तो फिर ठीक है, फिर क्या करोगे, ठीक, रॉन्ग कर लोगे। मरकरी वीनस अर्थ मार्स, ठीक है, मार्स ये है, सन से जितनी दूरी पर रहोगे उतनी देर लगेगी ना आपको ऑर्बिट करने में, तो इसने क्या कहा है, मार्स लेस टाइम लेता है, तो आपका ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, सी डी आपका ये इज़ फॉल्स, ठीक है, आंसर आ गया, आपको आर पढ़ना भी नहीं है, क्या है डायमीटर ऑफ प्लेनेट मार्स, अगर आपको नहीं पता होते तो फिर अलग ही बात है, ये सब भी नहीं आते तो फिर स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल, ठीक, ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, लोगों को नहीं आते हैं एस्ट्रोनॉमी, इन जनरल लोग छोड़ के जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। डायमीटर ऑफ प्लेनेट मार्स इज़ लेस देन दैट ऑफ अर्थ, ठीक, डेफिनेटली मार्स का डायमीटर अर्थ से छोटा है, मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है, मरकरी के बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है दैट इज़ मार्स, उसके बाद वीनस आता है, उसके बाद चौथे नंबर पे अर्थ आता है, इतना तो एटलीस्ट याद ही रख लो, वैसे भी आपको ये पता ही होगा ना ये इनर प्लेनेट हैं, ये छोटे प्लेनेट होते हैं, ठीक है, जो आउटर प्लेनेट होते हैं ये जोवियन प्लेनेट कहते हैं जुपिटर लाइक, ये होते हैं इनर प्लेनेट या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, ये होते हैं अर्थ लाइक, ये आपको अगर डिफरेंस देखना है तो ये पूरी टेबल है इनर आउटर प्लेनेट, जीएस में पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन दो तीन बार, और जियोलॉजी ऑप्शनल में सीधे 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 क्वेश्चन पूछता है, ये बता दो कि इनर और आउटर प्लेनेट में डिफरेंस क्या है, प्लेनेट की प्लेनेट्स क्या होते हैं, आईएयू ने डेफिनेशन क्या दी है प्लेनेट की, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एट प्लेनेट क्या है, किस बेस पे प्लूटो को बाहर किया गया, एवरीथिंग यू शुड नो। तो आर के तो सही होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है, तो सॉरी आर तो सही है, आर के गलत होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन भी नहीं करता है, डायमीटर का इससे कोई लेने देना भी तो नहीं है रोटेशन से, सपोज़ अगर मरकरी लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है, तो सपोज़ मरकरी होता मार्सी का तो भी ऐसा नहीं है, डायमीटर से रोटेशन का लेना देना नहीं है। द सेम फेज ऑफ मून इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड टू अर्थ, इन्होंने एजर्शन कहा है, बिल्कुल ट्रू बात है, आप लगातार सुनते होगे कि मतलब डार्क साइड ऑफ मून, आपने ये सुना होगा, ठीक है, अभी इंडिया ने डार्क साइड ऑफ मून की तरफ जाने की कोशिश की थी, इसका मतलब क्या है कि अर्थ के सपोज़ ये मून है, ठीक, अर्थ का फेस है, ये अर्थ है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, सपोज़ अर्थ इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, मून भी सेम वे में रोटेट करता है, ठीक, लेकिन क्या होती है, सपोज़ आप ऐसे देखो, इस तरह 2D में देखो, सपोज़ अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो मून भी ऐसे रोटेट कर रहा है, सपोज़ आप इस ब्लू वाले पॉइंट को पकड़ के चलो, ये पॉइंट इधर है, ठीक है, इसके सामने ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट मूव करता जाएगा वैसे ही ये पॉइंट भी मूव करता जाएगा, और साथ में मून अर्थ के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है ये हमेशा सामने रहेंगे, सपोज़ मून अभी इधर आ गया तो ये पॉइंट घूम के इधर का था इधर आ गया, मून अभी इधर आ गया तो ये ब्लू वाला पॉइंट यहाँ आ गया, तो हमेशा अर्थ का ब्लू पॉइंट आमने सामने ही रहेंगे, ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, मून अर्थ के चारों तरफ एक महीना आप जानते हो 27 डेज़ की साइकिल होती है, 27 टू 28 डेज़ की, तो वो बराबर होता है, सेम फेज ऑफ मून इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, नहीं पता तो फिर टफ क्वेश्चन है। डार्क साइड ऑफ मून, आई थिंक करंट अफेयर्स की अगर आप थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो आपको पता होगा, स्पेस टेक के जो लेक्चर हैं उसमें मैंने ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी की हैं, ठीक है। द मून रोटेट अबाउट ओन एक्सिस, यस मून रोटेट करता है इन 23.5, नो दिस इज़ नॉट करेक्ट, 27 या 28 डेज, 28 होता तो भी करेक्ट होता बट इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, अबाउट द सेम दैट इट टेक्स ऑर्बिट अर्थ, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अगर आपको ये भी पता हो कि ये जो लाइन लिखी हुई है 23.5 या वो टाइम जिसमें अर्थ को ऑर्बिट करता है, अगर आप ये देखो तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट विच इज़ अबाउट ये सेम टाइम, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, तो या तो ये सही नहीं है या ये सही नहीं है, ठीक है, और आपको ये पता है कि अर्थ का मून अर्थ के चारों तरफ 27-28 दिन में घूमता है, तो फिर ऑब्वियसली पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अगेन जैसे कि मैंने कहा था यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली सी या डी में आपको खिलाता है, तो ए इज़ करेक्ट, आपका आंसर तो यहीं आ गया था। अगर आपको ये ट्रिक आती है तो आपको ये इसमें तंग होने की नीड ही नहीं, बहुत से लोग पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, देख के ही जो प्राण सूख जाते हैं ना लोगों के, वो ये क्वेश्चन है, ठीक, ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, ठीक, हो गया काम खत्म। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज़ हाईली इम्प्रोबेबल, यस डेफिनेटली है, सन के सबसे पास वीनस है, पास में जाओगे तो निपट जाओगे, जल जाओगे, ठीक है, पहला रीज़न तो यही, तो ए इज़ ट्रू,
अब ए इज ट्रू में आप फंस जाते हो कि तीन ऑप्शन है, एटली डी एलिमिनेट हुआ, वीनस हैज़ एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमोसफेयर। अब आप यहाँ फंस गए हो कि मतलब ये रीज़न है कि नहीं, आपको तो ये पता है, अगर आप नॉर्मल लॉजिक से इसको करके आओगे तो फिर टेम्परेचर आप लॉजिक लगाओगे, नॉर्मल केस में तो आप इसको बी सही करोगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन सही होते हैं तब आप कंफ्यूज होते हो, और मैक्सिमम टाइम तभी ये क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बट एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत कंपोजिशन ऑफ प्लेनेट पता होना चाहिए, जियोलॉजी ऑप्शनल में डायरेक्टली सिलेबस में है, ज्योग्राफी वाले को भी पता होना चाहिए, कई बार जीएस में पूछा तो नहीं है बट हाँ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वीनस में क्या होता है, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, ठीक है, प्रेशर इज़ वेरी हाई, ये नोट कर लो, ठीक है, प्रेशर अराउंड 10x 100 टाइम्स होता है, 100x होता है अर्थ का, ठीक, प्लस इट हैज़ वेरी हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। वीनस जो बना हुआ है अराउंड 90-95% CO2 का बना हुआ है, अब आप जानते हो अर्थ के एटमोसफियर में 0.3% CO2 है, तो जब इतने में 0.4% हो जाता है तब हम लोग रो देते हैं, तो 90-95 होगा तो कैसे जियेंगे। तो 8 का ऑप्शन सही है, जिए तो जिए कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड हाई है ऐसे तो, ठीक। तो इसका आंसर हुआ बोथ आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 सेम ही है कि कौन सा सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, तो वही माई वेरी एफिशिएंट मदर, मतलब ये नेमोनिक आप रट लो लगातार, इससे क्वेश्चन सही होंगे। तो आई थिंक जुपिटर सबसे दूर है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट, ठीक है, तो जुपिटर आपका करेक्ट हो गया। अब ये भी नहीं पता ना, तो एग्ज़ाम तक नहीं पता तो भी ठीक है, बट अगर इस लेक्चर के बाद भी नहीं पता तो डूब मत मरो, फिर अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रेफरेंस टू सोलर सिस्टम, अर्थ इज़ द डेंसेस्ट ऑफ प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, दिस इज़ ट्रू। इसी PDF में आई थिंक होना चाहिए, डेंसिटी करके अगर हम सर्च करें तो प्लेनेट डेंसिटी, अर्थ हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी, इतनी है, ठीक है, और सैटर्न इज़ द लीस्ट डेंस, डेंसिटी लेस देन वाटर, मतलब इतना है कि अगर पानी में डाल दो तो ये फ्लोट करेगा। तो ये सीधे सीधे ऐसे फैक्ट हैं, इस PDF से लगातार सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, अब क्योंकि इसमें बस ABCD है तो आपको बाकी पढ़ना ही नहीं है, सिंगल ऑप्शन है, अगर इसमें ए ओनली या बी ओनली उस टाइप का होता तो आपको देखना होता, बट स्टिल बाकी फैक्ट चेक कर लेते हैं। अर्थ इज़ द डेंसेस्ट, ठीक है, पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब पता कर लो कम से कम, ठीक है। अरे इंसान का बोझ जहाँ रहेगा सबसे ज़्यादा हैवी होगा ना, और क्या लोग इतने पापों के बोझ के तले दबा जा रहा है, ठीक। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन कंपोजिशन, अर्थ के कंपोजिशन में सिलिकॉन है, नो आई थिंक इट इज़ आयरन, कन्फर्म कर लेना, इट इज़ आयरन ही है, ठीक है। देन सन कंटेन्स 75% ऑफ मास ऑफ सोलर सिस्टम और डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 190 टाइम दैट ऑफ अर्थ, जब मैंने पढ़ाया था तो आपको मैंने 108 नंबर की रिलीजियस सिग्निफिकेंस, तो आपको पता ही है 108 बार माला जपते हैं, अल्लाह के नाम की भी जब माला जपते हैं तो उसमें भी 108 टाइम होता है, तो एक्चुअल में वो 108 जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ से कुछ आया होगा कि डायमीटर ऑफ अर्थ, सन डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 108 टाइम्स है, 190 तो नहीं है, तो इसे अपने अपने गॉड से जोड़ लो। और दूसरा, इसने भाई साहब ने क्या क्वेश्चन पूछा है, 75% ऑफ मास, तो आई थिंक 99.85% मास इज कंटेन इन द सन, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आप देखो हर दूसरे कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसका मास 99.85% मास सन में है, एंगुलर मोमेंटम 98% है प्लेनेट में, ठीक है, और उनके सैटेलाइट में, और सन में बहुत ही कम, अप्रोक्सीमेटली 2% एंगुलर मोमेंटम है, ये रोटेशन आप देखते हो ना, सन बहुत कम रोटेट करता है, बाकी पूरे प्लेनेट ही रोटेट कर लेते हैं अपने मन से। सो अगेन नॉर्मल ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। फिर इफ़ द स्टार्स आर सीन टू राइजिंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजन बाय ऑब्जर्वर, तो इट इज़ लोकेटेड ऑन दिस, मतलब कहाँ लोकेटेड है, देखो ये एक फंगस सा फैक्ट है और ये NCERT की लाइन है। कभी कई बार ऐसा होता है कि NCERT की सीधे लाइन उठा के पूछ लेता है, एट इक्वेटर वन कैन सी स्टार्स राइजिंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजन, ये जो फैक्ट्स कुछ लिखे हैं मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड सोलर सिस्टम, बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं समझ में आया था, अगर आपको समझ आता हो तो बता देना, अदरवाइज रट लो भगवान के लिए और बाकी आगे बढ़ जाओ।
जरूरी नहीं कि सब कुछ समझ में आए, इसका लॉजिक नहीं समझ में आता है मुझे कि मतलब कैसे है। ठीक है, सपोज आप इक्वेटर पे खड़े हो, यहाँ खड़े हो, तो स्टार का यहाँ से राइज होता हुआ दिख रहा है कुछ, मतलब क्या है, आई डोंट नो। ठीक है, बट होगा कुछ रीज़न, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमर्स जानते हो, कभी किसी ज्योतिषी के पास जाना तो वो आपको बता देंगे शायद। देन ब्लैक होल, 2019 में भी क्वेश्चन आया था, ब्लैक होल इज़ अ बॉडी इन स्पेस, डज नॉट अलाउ एनी रेडिएशन टू कम आउट। ब्लैक होल में रेडिएशन तो छोड़ो, मतलब कुछ भी फेंक दो ना, कुछ बाहर नहीं आएगा। ठीक, इवन लाइट तक बाहर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? ब्लैक होल क्या है, एक तो इसका मास होता है फाइनाइट, मतलब छोटी बॉडी है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है दैट इज़ इनफाइनाइट। ठीक, तो नथिंग कैन एस्केप इनफाइनाइट डेंसिटी, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इतना क्लोजली स्पेस्ड है, अगर इसमें कुछ घुस गया तो ट्रैप हो जाएगा, कुछ बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो रीज़न इज़ वेरी हाई डेंसिटी। स्मॉल साइज़ तो ठीक है होता है, बट वी कैन टेल कि वेरी स्मॉल साइज़, लार्ज तो नहीं होता है, फाइनाइट, इनको चीज़ों को हम कह नहीं सकते, वेरी हाई डेंसिटी होती है, सीधे सीधे आपको इफेक्ट पता होना चाहिए। देन ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, एग्जैक्टली एस्ट्रोनॉमी का नहीं है बट ठीक है, देखते हैं। ये पूछ रहा है कि अगर मून M1, ये M1 पोजीशन है, M2 है, M3 है, M4 है, ये मून का ऑर्बिट है, ये धरती का ऑर्बिट है, ये सन है, तो किस कंडीशन में मून हो, ये M4 है, तो ओसन टाइड मैक्सिमम होगा। अगर आपको टाइड पता है तो सन और मून की ग्रेविटी से बनता है, जी ऑफ एस प्लस जी ऑफ एम दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक, तो नॉर्मली या तो M2 पर हाईएस्ट होगा या M4 पर हाईएस्ट होगा। M1 और M2 में तो ये सन की ग्रेविटी मतलब अपोजी सॉरी क्वाड्रेचर पोजीशन जो होती है, ठीक, वो आ जाएंगी, तो M1 और M3 तो नहीं है, आपका डाउट होना चाहिए इसमें। लेकिन नॉर्मली लोग अगर इजीली भी करेंगे तो भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये आपकी अर्थ है, ये आपका मून है M4 पोजीशन में, और ये सन है, तो सन की जो ग्रेविटी है प्लस मून की ग्रेविटी दोनों ऐड हो जाती हैं, तो दोनों बहुत तेज़ी से खींचते हैं अपनी तरफ। ठीक, तो लेकिन इस कंडीशन में अर्थ के जो इस साइड को जितना पुल होगा वही पुल इस साइड भी होगा, लेकिन इस साइड होगा ग्रेविटी की वजह से, इस साइड होगा नॉट ड्यू टू ग्रेविटी बट ड्यू टू इनर्शिया। ठीक, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। सपोज़ ये अर्थ है, ये मैजेंटा कलर का मून है, और ग्रीन कलर का सन है। ठीक, तो इनके दोनों की ग्रेविटी ऐड होगी, अर्थ के जो इस तरफ का वाटर है अपनी तरफ को खींचेगा, सपोज़ वाटर इतना हो जाता है। ठीक, सेम ड्यू टू फोर्स ऑफ इनर्शिया, दूसरी तरफ भी सेम राइज होगा, तो नॉर्मल जो इनका पुल है इधर और इधर दोनों साइड बराबर होगा। देन अगेन यूपीएससी जैसे कि क्वेश्चन रिपीट करती है बार बार, हम बात करते हैं वन एस्ट्रोनॉमिक यूनियन, अभी हमने देखा था एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। देन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टेरॉयड, अभी हमने एस्टेरॉयड के बारे में भी देखा, आपको एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड और कॉमेट के बीच में डिफरेंस पता होने चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टेरॉयड 98 में पूछा था, एस्टेरॉयड रॉकी डिब्रीज वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन, डेफिनेटली सन को ऑर्बिट करते हैं, ऑप्शन नंबर वन इज़ करेक्ट। क्या पूछा है, देखो अभी इसमें जो ऑप्शन देना ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट, मतलब नॉर्मली पूछा है तो आपका वन तो करेक्ट है, इट मीन्स बी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब एक चीज़ आप देखो कि एटलीस्ट दो ऑप्शन करेक्ट मांग रहा है ये, तो मतलब एक तो और करेक्ट हो गई होगा। ठीक है, तो लेट्स सी, मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉयड स्मॉल बट सम हैव डायमीटर एज लार्ज एज 1000 किलोमीटर ऑल्सो, अभी हमने देखा था सीरस एक ड्वार्फ स्टार जितना उसका डायमीटर है, तो डेफिनेटली किसी भी साइज़ के हो सकते हैं, तो ऑप्शन टू इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक, तो ऑप्शन टू इज़ करेक्ट, मतलब आपका फंस गया गाड़ी यहाँ पे। ठीक, ए और डी में, अगर आपको सी आता है तो फाइन, नहीं आता है तो नॉट फाइन, बट सी ऑप्शन इज़ वेरी करेक्ट, ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉयड लाइज बिटवीन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। ठीक, तो जो लॉजिक है ना वो यहाँ नहीं, थ्री सबको पता है कि रॉन्ग है, मोस्टली लोगों को पता होता है, तो थ्री तो एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने थ्री एलिमिनेट किया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो ज़रूरी ही नहीं है कि आपको ये वाला दूसरा नंबर का फैक्ट पता हो या पहला नंबर का फैक्ट पता हो। ठीक, अगर आपको ये बेसिक भी पता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ होती है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, अभी हमने देखा ही था कहाँ होती है। देन मैटच करना है फॉलोइंग को, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑन सोलर सिस्टम मरकरी है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम जुपिटर है, प्लेनेट सेकेंड फ्रॉम द सोलर सिस्टम माई वेरी एफिशिएंट मदर वेरी है, वीनस है। ठीक है, नियरेस्ट टू सन माई मतलब मरकरी है, फाइन, हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। पहले स्मॉलेस्ट जो सिस्टम था वो था प्लूटो,
तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर आपका ऑप्शन सही होगा। लेट अस सी क्या क्या ऑप्शन है। अगर उस टाइम 98 के हिसाब से देखते तो फिर इसका आंसर होता ए का है आपका फोर ऑप्शन। ए का फोर ऑप्शन है। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि 98 का ही पेपर है, तो आपका ए और बी एलिमिनेट हो गए। ठीक है, फोर आपको बाकी में से कुछ फैक्ट चेक करने। सी आपको चेक ही नहीं करना। सी का टू ऑटोमेटिक हो गया, प्लैनेट सेकेंड फ्रॉम द सन। ठीक है, सी का टू हो गया। पूरी कहानी है थ्री और वन, बी और डी के बीच में। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, जैसे आपने कहा जुपिटर है, और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक, सी का थ्री। फाइन, तो पहले वाले का हो गया। डी का वन। डी क्या है? प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, मरकरी है। तो इतने ही क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी से पूछे हैं, लेकिन जब जब ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं तब तक आपकी रंका लगाते हैं। तो बेटर है आप ये एस्ट्रोनॉमी के लिए ये वाला पीडीएफ, जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़ा नहीं है, 11 पेज का पीडीएफ है। बहुत ही अच्छी इमेजेस इसमें ढूंढ ढूंढ के मैंने लगाई हैं, तो ईजिली आपको समझ भी आएगा। और साथ में इसके जो लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पर सीधे सर्च करना सोलर सिस्टम सिनॉप्सिस आईएएस, इनकॉग्निटो में खुला है, तो यही सारे लेक्चर आएंगे सोलर सिस्टम पर। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन, प्लेनेट, एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन। और बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं है, 13 मिनट, 15 मिनट, 11 मिनट, टोटल 5 वीडियोस हैं। अगर हम फुल प्लेलिस्ट की बात करें तो सोलर सिस्टम में इतने 1 2 3 4 फोर वीडियोज़ हैं। ख़त्म कर लो, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई होप कि आप ये ट्रिक्स सीखना चाहोगे, तो लगातार प्लीज़ लर्न दीज ट्रिक्स। और इफ़ यू विश तो यू कैन सपोर्ट अस, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है ना, लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 में अराउंड 50% क्वेश्चंस वी हैव मॉडिफाइड फ्रॉम यूपीएससी प्रीवियस है। तो जो भी क्वेश्चंस हैं, जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल नेवर फील कि आर्टिफिशियल क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर कंटेंट पसंद आए तो यू कैन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कोरोना से बच के रहना।